हेलो गाइस, वेलकम टू फूड एंड स्टफ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकिब, और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। पार्ट टू है ये मेरे जिम रूटीन की। फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था कि मेरा जिम रूटीन क्या है, मैं क्या करता हूँ, किस तरह से एक्सरसाइजेस करता हूँ, कितनी एक्सरसाइजेस करता हूँ, पूरा उसका गो थ्रू करा था। और उसमें मैंने इम्पोर्टेंस बताया था कि एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं और डाइट की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, दोनों कितना मैटर करता है, कितना परसेंटेज एक्सरसाइज से होता है और कितना परसेंटेज डाइट होता है। तो ये वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, गो थ्रू करूँगा अपना डाइट प्लान को लेके। ये पार्ट टू है और ये फाइनल पार्ट होगी। फ्यूचर में अगर किसी को मुझसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है कि हम कैसे रूटीन फॉलो करें, क्या करें, तो ज़रूर मुझसे पूछे। अगेन, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। बस मैंने अपने साथ कुछ चीज़ें करी हैं जो मेरे लिए वर्कआउट हुई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट 116 था पैंडेमिक के बाद, आज मेरा वेट अराउंड 107 है। तो ये मैंने कम करा है लिटरली अराउंड, मैं बोलूँगा 3 to 4 months में, जिसमें मुझे बीच बीच में प्रॉब्लम्स भी आ रही थी मेरे नी को लेके, उसकी वजह से मैं कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो नहीं कर सकता हूँ। तो ये वीडियो में जो आपने देखा, ये मेरा डाइट प्लान है। इसमें मैं 4 meal लेता हूँ, 1 pre-workout लेता हूँ और अपना डे ख़त्म करता हूँ ग्रीन टी के साथ। तो आप अगर मेरी वीडियो में नोटिस करेंगे तो मैं मोस्टली ध्यान देता हूँ कि मेरा कार्ब लो रहे और मेरा प्रोटीन हाई रहे। जैसे कि पोस्ट वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत है और आपके बॉडी को कुछ फुलफिलिंग और ठोस चीज़ चाहिए, तो उसमें मैं एक बनाना खाता हूँ और अपना प्रोटीन शेक पीता हूँ। तो मैं पर्सनली किसी तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करता हूँ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। तो मैं नादा का प्रोटीन शेक पीता हूँ, तो उसमें मेरे लिए प्रोटीन वहाँ पे आता है शेक से। सेकेंड मील में अगर आप देखोगे तो मैं अंडे खाता हूँ, 3 egg whites और 1 whole yolk के साथ, जो कि हाई इन प्रोटीन है। ईजी वे टू गेट मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो अंडों से ही आपको मिल सकता है, या तो चिकन ब्रेस्ट से मिल सकता है। थर्ड मील आप देखोगे जो कि मेरा
प्रॉपर मील होता है वो मेरे मील में मैं अपना पोर्शन हाफ रखता हूँ, हाफ चिकन का हाफ चावल का, तो उसमें मैं ब्रेस्ट पीस यूज़ करता हूँ जो कि अगेन एक हाई प्रोटीन आपको देता है, चिकन ब्रेस्ट से मिलता है, कन्वीनियंट है, आपको काफ़ी हाई प्रोटीन मिल जाता है, उतना पैसा भी नहीं लगता। तो चिकन ब्रेस्ट एक अच्छी चीज़ है प्रोटीन के लिए, उसके साथ मैं कार्ब्स बैलेंस करता हूँ। फोर्थ मील अगर आप देखोगे तो मैं वो काइंड ऑफ स्नैक रहता है, वो मील प्रॉपर मील नहीं है, जिसमें मैं बीफ मोटरडिल्ला के 3 स्लाइसेस यूज़ करता हूँ और उसके साथ एग्जैक्ट सेम अमाउंट पोर्शन जो है काप का रखता हूँ जिसके साथ ब्रेड होता है, और अपना दिन ख़त्म करता हूँ ग्रीन टी के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर किसी को रात में अपने पूरे मील कंप्लीट करने के बाद ग्रीन टी ज़रूर पीना चाहिए। ग्रीन टी के जो फ़ायदे हैं फैट कट करने में, इट्स अमेजिंग। तो ये मेरा पूरा रूटीन है, होपफुली आपको अच्छा लगे, होपफुली आपको मेरा रूटीन आपके काम आए, एक बिगनर के काम आए, मैं खुद भी एक बिगनर हूँ। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया, अच्छा। रुकर मैं जिम रहा हूँ पिछले 2.5-3 सालों से प्रॉपरली, पर उसमें भी मेरे पैर के इश्यूज की वजह से, मेरे पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने काफ़ी टाइम जिम छोड़ा। फिर पैंडेमिक आ गया, तो पैंडेमिक में मैं 1 साल जिम नहीं जा पाया, और उसके बाद फिर पैर के इश्यूज से जूझता रहा, तो उसमें भी मैं जिम कंटिन्यू करता हूँ छोड़ता हूँ। तो इस वजह से जो है काफ़ी, वरना मैं अब तक काफ़ी कुछ सही कर लिया होता, पर अभी मैं राइट ट्रैक पर हूँ, मेरा वेट कम हो रहा है, अभी मैं 107 के आसपास हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह मैं वीडियो तो बनाता ही रहूँगा, तो उसमें शायद आपको पता चलता रहे कि मेरा वेट मैं कैसे लूज़ कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट जो है वो दिसंबर तक मेरा टारगेट है अराउंड 92 केजीज आने का। तो लेट्स सी ये फूड ब्लॉगिंग के साथ गोल अचीव कर सकता हूँ कि नहीं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेज ग्रो हो रहा है और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सबकी तरफ से। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।